नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा ऑपरेशन के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को हॉटलाइन पर भेजा संदेश, आतंकवादी मार दिया, शव ले जाओ। मुंबई में कोरोना वायरस की लंबी छलांग, 24 घंटे में मिले 8036 से अधिक नए केस। सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल हियरिंग सस्पेंड, कल से अगले दो हफ्ते तक वर्चुअल होगी सुनवाई। पंजाब कृषि बिलों की वापसी के बाद पहली बार पंजाब में रैली करेंगे पीएम मोदी, कैप्टन अमरिंदर भी होंगे शामिल। केरल में ओमिक्रॉन ने पकड़ी रफ्तार, 45 नए मामले दर्ज, 24 घंटे में कोरोना से 12 लोगों की मौत तथा 2,802 नए मामले आए। दिल्ली में बेकाबू हुआ कोरोना, 24 घंटे में 3200 नए केस, एक मरीज की मौत, संक्रमण दर बढ़कर 4.42% हुआ। दिल्ली 159 केंद्रों पर लगेगा 15 से 18 साल के बच्चों को टीका, माता पिता को नजदीकी टीकाकरण केंद्र के बारे में सूचित करेंगे क्लास टीचर। हरियाणा फरीदाबाद निर्माणाधीन मकान में सो रहे मिस्त्री और बेलदार की हत्या, तीसरे की हालत गंभीर। दिल्ली के जीएसटी विभाग ने किया 347 करोड़ रुपए के जाली बिल घोटाले का भंडाफोड़, एक गिरफ्तार, कई और पर लटकी तलवार। संसद बाल विवाह अधिनियम पर चर्चा करने वाली स्थायी समिति में सिर्फ एक महिला सांसद। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।